मेरे को था यार ये करना है एक दिन यार, तो मैं तब उस दिन ये ख्वाहिश उठी थी सर, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। क्या बात है, बहुत हाई लेवल के दिल जले हैं ये। तो कितने टाइम चला था आपका अफेयर, थोड़ा सा कुछ बताएंगे उसके बारे में, जितना बता सकते हो कंफर्टेबली। सर मतलब मेरी तरफ से लंबा था, उसकी तरफ से छोटा था। उसकी तरफ से बस नाम ही खत्म हो गया था या नहीं, और नहीं, भी कुछ नहीं, था? नहीं था सर, कुछ एक वक्त तक तो मुझे अंदाजा है कि था। अच्छा, पर उसने बाद में मुझे बताया कि नहीं इतना भी नहीं था ऐसे। तो मैं बस उसी मतलब ब्लर्ड विजन में हाँ जीता रहा। ये बेसिकली कॉमेडियन नहीं है, ये कॉमेडी करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है ये बात, कॉमेडी मतलब होता है पोएट्री प्लस कॉमेडी। तो बीच बीच में आज आपको पोएट्री भी सुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल यार, सर आपने जिक्र किया तो मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ ना, आपको अंदाजा लगेगा कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार। वो होता ना कि ऐसे एक मैसेज आता है, आपका दिन बन जाता है ना, कि यू आर द बेस्ट पर्सन, आपको लगता है मैं बेस्ट पर्सन। ये तो मैंने तब लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। क्या बात है, कैमरा फोकस किया जाए उन लोगों पे जो पूरे दिल से तालियां बजा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको प्यार में धोखा मिला है। एक शेर और मैं आपको सुनाता हूं, मतलब यही इसी का, इसी गजल का अगला शेर था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, है ना। इस शेर पे अगर आपने ताली बजाई तो मेरे ख्याल अगले शेर पे आप छाती बजा दोगे। ये कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार। कितने टाइम चला था ये आपकी तरफ से और उनकी तरफ से? 3 साल मेरी तरफ से था। अच्छा। उसकी तरफ से 9 महीना। ये नहीं नहीं, ये 9 महीने ही क्यों है? वे नहीं यार, 9 महीने बाद ऐसा क्या हो गया था कि वे नहीं, कोइंसिडेंस कहते हैं भाई इसे, कोइंसिडेंस। आप ज्यादा साइंस इन्वॉल्व मत कीजिए। अब आप में से जो भी इनसे जैसे भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ज्यादातर धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? अच्छा लगा आपसे मिलकर। यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ज्यादातर धोखे बेईमान लोग देते हैं। जैसा है ना, बड़ा सेफ आंसर दिया आपने। क्योंकि अगर किसी एक की साइड लेते हैं तो दूसरा फिर आपकी टिकट नहीं लेता। फिर मैं देख रहा हूँ कि शो पे सिर्फ लौंडे आ रहे हैं। मतलब इन्होंने कह दिया। नहीं, 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 शो पे सिर्फ लौंडे आ रहे हैं। आपको आपको जवाब मिल गया ना? बस ठीक है। नहीं नहीं, कहने का मतलब एग्जांपल था कि सिर्फ लड़के या लड़कियां आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन है जो पूछ रहा है? ऐसी मस्ती में आगे बढ़ाएंगे सेशन को, कोई ज्यादा सीरियस नहीं होंगे। हेलो सर, थैंक यू सर इतनी उम्मीद रखने के लिए। क्या थैंक यू सर मुझे मुझे रखने के लिए? मैं क्यों रखूं? मेरे पे उम्मीद रखने के लिए। अच्छा, उम्मीद रखने के लिए। अच्छा फिर ठीक है, मतलब मुझे रखने के लिए भाई मैं क्यों रखूंगा? नहीं, आई डोंट वॉन्ट यू। मुझे मुझे भी सुनाई दिया कि थैंक यू सर मुझे रंगने के लिए। अच्छा मेरा सवाल ये था जी, जैसा वो देखते हो या देखता हो? क्या देखता हो? ये सुनने तो दो, सवाल तो सुनने दो। हाँ, कि जिसके ऊपर आपने लिखी है इतनी चीजें। अच्छा, हाँ। तो उसके दिल पे क्या बीतता होगा? अच्छा, तो अब आपको कितना अच्छा लगता होगा?
नहीं हाँ, उसको भी कुछ पछतावा हो रहा होगा मुझे छोड़ने का। भाई पता नहीं पछतावा, लेकिन उसके शादी के कार्ड छप गए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब मेरे को पता नहीं कि मेरा मोटिव ये है भी नहीं सर कि किसी को पछतावा हो या मतलब किसी को एहसास हो। मेरा मोटिव ये था कि जब मैं एक चीज से गुजर रहा था, मतलब मेरा इमोशन था सर, तो मुझे उसे डील करना नहीं आ रहा था। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे लिखावट मिली, मुझे शायरी मिली, और मुझे मतलब जोक राइटिंग की एक आर्ट मिला, जिसके जरिए मैं अपने वो एक्सप्रेशन को मतलब बाहर कर पाया। सो दैट वो मेरे अंदर अंदर नहीं हुआ कि मैं घुटा नहीं यार, है ना, तो मैं इस पर जोक बना के हंस लेता हूँ, अंदर से तो दुखी था मैं। हेलो सर, सर अभी आपने बताया कि जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ तो उनकी शादी के कार्ड छप गए हैं, तो सर आपको पता है तो क्या उनकी शादी का कार्ड आपको भी आया है? आपको कैसे पता? जनता जानना चाहती है। देखो मुझे ऐसे लगता है सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैच टीम की खबर नहीं रखते। है ना, कौन टीम में शामिल हुआ, कौन निकल रहा है, भाई पूरी खबर है। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ कि वो हंस के देख रही है या देख के हंस रही है? क्योंकि सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। सही सवाल है। ऐसा कुछ हुआ भी आपके साथ में यहाँ पे जब से आए हो सुबह से? अभी तक तो नहीं, अभी लेकिन तक कॉलेज नहीं में बहुत होता है यार। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ना ख्यालों में रहने वाला इंसान हूँ सर, है ना, कि अपने ख्यालों में, है ना, तो मुझे लगता है कि आप वो चीज मानो जो आपके लिए फायदेमंद है। प्रश्न ये था कि दिल टूटने से पहले आप इतने बड़े वो थे कि दिल टूटने के बाद इतने बड़े वो? Fill in the blank, वो मतलब क्या? वो थोड़ा है। हाँ, मतलब क्या? फीलिंग समझिए ना आप। पापा टांग तोड़ देंगे। फीलिंग समझो और जवाब दे दो। अगर ये अपना क्लियर करता हूँ, मतलब आप भी बड़े वो हैं सर। याद है कि स्कूल के एनुअल डे पर ऐसा होता था कि एक मैंडेटरी था कि हर बच्चे को किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करना। मैं सर इतना डरता था उस वक्त कि मैं इकलौता था शायद अपने बैच में जो ऐसे बच-बच के निकल गया था। लेकिन भाई कॉलेज गया सर तो एक नई दुनिया देखने को मिलती है आपको। मेरा कॉलेज बहुत बेहतरीन मतलब कॉलेज था। कौन से कॉलेज से थे आप? सर मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, DTU। जी DTU। बट वहाँ पे मैंने सुना है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियां कम होती है, लड़के ज्यादा होते हैं। जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल सुना है आपने, सही सुना। ये देखो ऐसे ही होता है, दिल से निकला के कह रहा हूँ। सही है, आप आना बंद कर दो, आना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं। तो कॉलेज में जब मैं गया ना सर, तो वहां मैंने देखा ऐसे कॉलेज का फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज था, तो वो था ना ओरिएंटेशन, जिसमें कि कॉलेज के सीनियर स्कूल बन जाते हैं एकदम से, कह रहे ये वी आर इन दिस कॉलेज, है ना, मास बंक करेंगे, ऐसे हमें गाइड कर रहे हैं। तो उसमें सर मतलब वो था कल्चरल परफॉर्मेंसेस थी, तो उसमें एक हमारे सीनियर आए थे और वो परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने उनको देखा सर, वो ना बीट बॉक्सर थे। तो बीट बॉक्सिंग पता आप लोगों को? वो होता ना वो जो माइक पे से ये कर रहे। तो सर वो आए स्टेज पे और मैं मतलब फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज, अंडर कॉन्फिडेंट सा बच्चा, ऐसे इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ जिनकी इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स है ऑल इंडिया में, मतलब इतने टैलेंटेड लोग, इतने ज्यादा एजुकेटेड बच्चे, और मैं उनमें बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट से बैठा हूँ। और एक बंदा आता है और सिर्फ माइक है उसके हाथ में, उसने पूरा माहौल बदल दिया ऐसे, मतलब लोग एकदम इंजॉय करने लगे, वेव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और मेरे को लगा यार ये क्या सुपर पावर है यार, कि एक बंदा स्टेज पे खड़ा हुआ और 500 लोग हंस रहे हैं उनका। मैं बहुत अलग इमोशन में गया था अंदर की, बड़ा डरा डरा सा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ एकदम से। तो मुझे लगा सर ये कितनी बेहतरीन कला है कि कोई इंसान कुछ पेश कर रहा है मंच पर और बाकी हजारों में जनता खुश हो रही है। तो मेरे को था यार ये करना है एक दिन यार, तो मैं तब उस दिन ये ख्वाहिश उठी थी सर, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। मुझे भी सर एक शेर याद आया, वो होता ना उस दौर में जब आपको लगता है यार आपने किसी से बहुत सच्चा प्यार किया है ना, और फिर वहां पे वर्कआउट नहीं किया या फिर किसी भी वजह से आप साथ नहीं है, तो अब आपको लगता है यार अब दोबारा नहीं हो पाएगा यार, है ना, वो वाला इमोशन आ जाता है ना कि अरे यार हो गया भैया हमारा, हाँ कि ये अब वापस नहीं आना इस गली में, है ना। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता।
जब से वो गई है जी जी, उसके बाद कोई मोहब्बत हुई है नहीं हुई है? उसके बाद से सर आपकी वीडियोस देखी है मैंने, हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू मूव ऑन। अरे नहीं मैं मोटिवेशन के अपने काम पे ध्यान दो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने संदीप सर की वीडियो बहुत देखी उस दौर में, और आपकी एक वीडियो आई थी सर की आई एम अनस्टॉपेबल, एक ऐसी वीडियो आई थी भाई, मैं शीशे के आगे खड़े हो गए, आई एम अनस्टॉपेबल, हाँ मैं लगा रहा, मैं आई एम अनस्टॉपेबल। हालांकि पापा 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, पर मैं लगा रहता था कि नहीं आई एम अनस्टॉपेबल भाई। एक दिन मैंने पापा को बोल दिया, मैंने कहा आई एम अनस्टॉपेबल, पापा ने कहा यू आर अनस्टॉपेबल बट यू आर नॉट अनबीटेबल। यही शेर मैंने तब लिखा था ना कि मूव ऑन कर रहा हूँ सर मैं, लेकिन भाई कोशिशें नाकाम हो रही है ना, तो मैंने तब लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, और मेरे दिल के मका पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता वो खाली भी नहीं करता। क्या